We have completed causes. उसके बाद then bloody Sunday incident, जिसको Russian Revolution का main year कहा जाता है, 1905, ठीक है? मैंने कल discuss किया था कि 1905 में ऐसा क्या हुआ, उससे पहले का time हमें थोड़ा सा बताना है कि 1904, the time period of extreme hardships for the people and you can say prices of goods were very high, you can say essential goods, necessity items, the prices were very high. Wages were very low, workers ke wages bahut kam the. Employment facilities were not given to the people because all the industries were in private hand. Fir humne batana hai that four members of Kutilom Iron Works factory, theek hai, factory ka name yaad rakhna hai, area ka name yaad rakhna hai, Saint Petersburg, Saint Petersburg city ka name, theek hai, you have to remember the name. That four members from the Kutilom Iron Works factory, they were dismissed from the job. उनको जॉब से डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, उनको रीजन नहीं बताया गया, लेकिन ये किसी एसोसिएशन के मेंबर्स थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक जो है, दे डिसाइडेड टू कॉल ऑन स्ट्राइक एंड दे असेंबल्ड मेनी पीपल एंड नेक्स्ट डे मोर देन 1,10,000 वर्कर्स दे ज्वाइंड देम. किसी को नहीं पता था कि जो स्ट्राइक है वो इतने लंबे जाएगी, ठीक है, एंड उनकी डिमांड्स, फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताना है, दे डिमांडेड, उनकी डिमांड्स क्या क्या थी, वर्किंग आवर्स, उनके लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, उनको वो शॉर्ट करना चाहते थे, देन दे वांटेड राइज इन वेजेस, सैलरीज बढ़ाना चाहते थे अपनी, ठीक है, देन दे ऑल्सो वॉन्टेड टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, दे वर डूइंग जॉब इन द अनहाइजेनिक कंडीशन, सो दैट्स व्हाई दे वॉन्टेड टू इम्प्रूव द condition of the environment, जो भी उनका job environment. But all these demands and facilities were not given to them by their private industrialist, and so that's why they wanted to convey their demands in front of the Tsar Nicholas II. फिर अपने next line में क्या बताना है? All the workers, they were led by Father Gapo. Father Gapo जो थे, उन्होंने इनके procession को lead किया and they reached Winter Palace. Winter Palace जो है, उन्होंने वहाँ पे गए. लेकिन वहां पे क्या हुआ, विदाउट लिसनिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज वर्कर्स, जो भी ये वर्कर्स थे ना, विदाउट लिसनिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ दीज वर्कर्स, दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस एंड आर्मी, मैनी पीपल दे वर किल्ड, मैनी पीपल दे गॉट इंजर्ड, फिर उनको जो है अपोज करने के लिए ऑल द एरियाज, इन ऑल द एरियाज स्ट्राइक टू प्लेस, स्ट्राइक्स होने लगे, पीपल दे डिमांडेड रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस, लोगों को लगने लगा कि उनके तो कोई राइट्स नहीं है, so they demanded constitution, लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी, एंड नेक्स्ट लाइन में फिर आपने बताना है, ज़ार को लगा कि शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री द्वारा से ना हो, इसलिए उसने क्या किया, he decided to form a parliament named ड्यूमा, ड्यूमा पार्लियामेंट बनाई, और लेकिन ये जो ड्यूमा पार्लियामेंट बनी, इस ड्यूमा में हर तरह के ग्रुप्स थे, लिबरल्स भी थे, रेडिकल्स भी थे, और कुछ डेमोक्रेट्स भी थे, जो किंग को पसंद नहीं था, तो किंग ने क्या किया, ही वांटेड टू चेंज, उसने क्या किया, फर्स्ट ड्यूमा जो बनी थी विद इन 75 डेज, याद रखना आपने, विद इन 75 डेज फर्स्ट ड्यूमा वाज डिसमिस, डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व का मतलब मेंबर्स, उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया, एंड सेकंड ड्यूमा को बनाया, सेकंड ड्यूमा बनाई, लेकिन कितना टाइम लगा, 3 मंथ्स, सेकंड ड्यूमा को बनाने में कितना टाइम लगा, 3 मंथ्स, लेकिन इस बार जो ड्यूमा बनी उसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो ज़ार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट थे, तो किंग ने क्या किया, थर्ड, फिर से उसने ड्यूमा को कॉल कर दिया, फर्स्ट की विद इन 75 डेज, 75 डेज के बाद 3 मंथ्स लगे उसको सेकंड ड्यूमा बनाने में, थर्ड ड्यूमा बनी, उसके सारे के सारे काम थे कंजर्वेटिव, जो किंग के कहे हर ऑर्डर को फॉलो करते, अल्टीमेटली दिस पार्लियामेंट वॉज द पपेट काइंड ऑफ पार्लियामेंट इन द हैंड्स ऑफ ज़ार निकोलस सेकंड, ना ही लिबरल्स थे, ना ही रेडिकल्स थे, ना ही रेवोल्यूशनरीज थे, और ना ही सोशलिस्ट, सो विद दिस वी कैन से दैट एंड ऑफ 1905, ठीक है, लेकिन इसमें ज़ार निकोलस सेकंड का रूल एंड नहीं हुआ, ही बिकेम द किंग, फिर 1905 के बाद इन बिटवीन का जो टाइम आया, पूरा वर्ल्ड जो था वो वर्ल्ड वॉर में बिजी, ठीक है, अब हमने बच्चे याद करना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसमें हमने क्या याद रखना है, सबसे पहले मैंने, व्हेन यू विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेंबर द कंट्रीज
हमने ये क्वेश्चन लिखना है तो इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, कंट्रीज। कंट्रीज को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, एक तरफ लिखो बी एस आर वर्सेस जी एस ए टी। पहले आपने ईयर बताने हैं, ईयर नंबर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914। देन यू हैव टू टेल द ईयर्स, कौन कौन से ईयर, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इसका मतलब रशिया से काम कितने साल था, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। यू हैव टू रिटेल टेल द नेम्स, टर्की, टी यू आर के ई वाई, टर्की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हम पढ़ रहे हैं इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया, रशिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, ईयर बताना है, फिर हमने बताना है कंट्रीज कौन सी थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। इनमें से आपको याद करना है ये कंट्रीज विनर कंट्रीज, दीज वर द विनर ग्रुप और दीज वर द लूजर ग्रुप, जो हार गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब आपको इतना याद हो जाएगा फिर आपने क्या याद करना है, दैट मेन कंडीशंस ऑफ वॉर। हमने इम्पैक्ट बताना है कि वर्ल्ड वॉर का रशिया के ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा जिससे कि रशिया के लोग अपनी ही कंट्री में जाके अगेंस्ट हो गए। मेन हमने ये बताया, अगेन आई एम टेलिंग यू, हमने इस आंसर में क्या बताना है कि वॉर की कंडीशन क्या थी जिसके कारण रशिया के लोग अपनी ही कंट्री में जार के अगेंस्ट हो गए। इतनी इंट्रोडक्शन देने के बाद देन फिर आपने बतानी है कंडीशन, कंट्री की कंडीशन क्या थी वॉर टाइम की। इसके लिए बहुत इजी है, आप खुद सोचो जब कोई कंट्री वर्ल्ड वॉर में बिजी होती है तो उस कंट्री में कुछ सेक्टर्स जो है वो सफर करते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, और एग्रीकल्चर सेक्टर में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी तो फार्मर्स को प्रॉब्लम आएगी। इंडस्ट्रीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेन कौन सफर करेंगे, ज्यादा वर्कर। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड है तो और कौन सफर करेगा, सोल्जर। यही आपके अलग अलग पॉइंट्स बन जाएंगे। और दूसरी तरफ आपने ये क्या बताना है कि रशिया जर्मनी के अगेंस्ट था, क्योंकि जर्मनी एक एंटी पार्टी। इसमें आपने क्या बताना है कि लोगों के मन में जर्मनी के अगेंस्ट एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स का मतलब है कि लोगों के मन में जर्मनी के लिए हेट था, क्यों था। एक तो जार की जो वाइफ थी जारीना अलेक्जेंड्रा, she followed the advice of German mom Rasputin. He Germany से belong करते थे। This was the reason why people of Russia they hated monarchy because उनको लगता था कि उनकी जो queen है वो ही जर्मनी के साथ मिली हुई। तो जो queen थी जिसका नाम था जारीना अलेक्जेंड्रा, she followed the blindly का मतलब होता है हर advice को blindly follow करना। इसको रास्पुतिन कौन थे, वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मन मॉम। ठीक है, एंड इसीलिए लोगों ने क्या किया अपनी कंट्री में, उनकी कंट्री में एक सिटी थी आपको याद है सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, दे चेंज द नेम, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज करके क्या कर दिया, पेट्रोग्राद, दे चेंज द नेम ऑफ द सिटी सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राद। यहाँ तक आपने बताना है, फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे आप, वर्ल्ड वॉर के इयर्स कंट्रीज बता दोगे। सेकंड आपने बताना है एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स में आपने बताना है लोगों ने किस तरह से जारीना अलेक्जेंड्रा के अगेंस्ट हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग नाम जर्मन, सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी से थे, उन्हीं के नाम के ऊपर रशिया में सिटी का नाम था। लेकिन जब जर्मनी और रशिया अलग अलग यानी कि ग्रुप में अलग अलग पार्टीज थी, देन द पीपल चेंज द नेम
सेम इसके बाद आपने थर्ड बताना है प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट की प्रॉब्लम बतानी है। मेनी फार्मर्स दे सफर्ड अ लॉट, वॉर टाइम पीरियड में क्या होता है क्रॉप्स के ऊपर जो बम ब्लास्ट होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर सारा जो है वो डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे कि क्रॉप्स प्रॉपर ग्रो नहीं करते, और अगर फार्मर्स क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे तो उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, एंड बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो उनके पास इनकम नहीं होगी। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ज़ार ने फार्मर्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सो फार्मर्स दे सफर्ड अ लॉट। देन इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज जो कहते हैं वॉर टाइम पीरियड में रुइन होगी, दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए तो वर्कर्स के पास काम नहीं था, वेजेस नहीं थे, ठीक है, और वेजेस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स भी सफर कर रहे थे, तो ये वॉर टाइम पीरियड था। नेक्स्ट इज सोल्जर्स, इतना लंबा टाइम पीरियड 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, क्योंकि हमने मेन 17 का बताना है तो हमने बताना फॉर 43 years सोल्जर्स दे वर फेड अप फ्रॉम द वॉर, फेड अप का मतलब काम कर चुके, फेड अप, वो चाहते थे कि वॉर को बंद कर दिया जाए क्योंकि इतने टाइम तक हमको अपनी फैमिली से दूर बॉर्डर एरियाज पे, एंड मेनी सोल्जर्स दे वर किल्ड एंड मेनी फैमिलीज दे सफर्ड अ लॉट, ठीक है, ये सारा फैक्टर्स आपने बताने, अलग अलग पॉइंट्स में बताओगे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर देन प्रॉब्लम्स ऑफ सोल्जर्स, फिर आपने बताना है सोल्जर्स की प्रॉब्लम में आपने बताना है लार्ज स्केल कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज का मतलब होता है डेथ, इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कितने 7 मिलियन पीपल डाइड, 7 मिलियन पीपल डाइड इन रशिया, रशिया की ही बात करें तो मोर देन 7 मिलियन पीपल डाइड इन रशिया, ठीक है, एंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज का मतलब क्या होता है दोज हु बिकेम होमलेस, होमलेस का मतलब है जिनके घर ब्लास्ट हो गए, जिनके घर उनसे छीन लिए गए, ठीक है, तो इस तरह से हम ये बताएंगे, हर तरह से हमें बताना है लास्ट फिर डिस्ट्रक्शन डेथ ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली रुइन्ड, एंड इस कंडीशन में अल्टीमेटली जब लोगों को खाना नहीं मिलता, लोगों के पास मनी नहीं होता, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं लोग पीपल दे अटैक ऑन शॉप्स, पुअर पीपल जो थे वर्कर्स थे फार्मर्स थे उन्होंने शॉप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, ऑलरेडी वेदर जो था बहुत कोल्ड था, ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पर में एक्सट्रीम विंटर की प्राइसेस बहुत हाई थे, अब खुद सोचो इतनी ऐसी वर्स्ट कंडीशन, वॉर भी चल रही थी, प्राइसेस बहुत हाई थे, वर्कर्स जो फार्मर्स थे सफर्ड अ लॉट, सोल्जर्स वो फेडअप हो चुके थे, ठीक है, और कंडीशन वैसे ही बहुत ग्रिम थी, कोल्ड वेदर था, एक्सट्रीम विंटर थी, एंड प्राइसेस जो थे वो बहुत हाई थे, एंड मेनी पीपल दे वर किल्ड इन वॉर टाइम एंड इवन दे वर डाइंग ऑफ स्टार्वेशन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जिसके कारण रशिया के लोग, अब जब लोगों को खाना नहीं ना मिलता तो लोग क्या करते हैं रिवोल्ट करते हैं, रिवोल्ट करेंगे अल्टीमेटली, और जब लोग रिवोल्ट करेंगे तो उनका कोई ना कोई लीडर होगा, और लीडर होगा कोई पार्टीज बनेंगी, तो यही हमने बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ही 1917 में रिवोल्ट हुआ, जिस रिवोल्ट को लीड किसने किया मेंशेविक, और उनके लीडर कौन थे करेंसकी, ठीक है, अब हमने ये वॉर टाइम पीरियड पढ़ लिया, अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है That is February Revolution. Clear? यहाँ तक clear है? Raise your hand इसको clear हो। हमने पहले किया Bloody Sunday incident, इसके बाद फिर हमने किया First World War 1914 हुई, ठीक है? इसके बाद फिर हमने पढ़ना है 1917 ने लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और लोगों को इकट्ठा किया, ग्रुप बनने शुरू हो गए, और इसको एक और भी नेम दिया जा सकता है मेंशेविक भी कहते हैं, पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन, क्योंकि पेट्रोग्रेड में सिटी में हुआ था जिसका नाम पहले सेंट पीटर्सबर्ग था, तो अलग अलग तरह से पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन कहा जा सकता है,
फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं, मेंशेविक भी कहते हैं। ईयर कौन सा है? 1917। और यही रीजन बना, ये मेन रीजन बना जिससे मोनार्की को क्या किया, ब्रॉट डाउन का मतलब ब्रॉट डाउन मोनार्की। किसको डाउन कर दिया? मोनार्की को डाउन किया या फिर ज़ार के रूल को डाउन कर दिया? ठीक है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन मेन माना जाता है जिसने मोनार्की को डाउन कर दिया, खत्म कर दिया और ज़ार के रूल को खत्म कर दिया। क्योंकि 1905 के बाद ज़ार का रूल कंटिन्यू रहा, फिर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई जिसमें लोगों ने सफर किया, वो हमने मेन प्रॉब्लम बतानी है। फिर 1917 में रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बॉम्ब ने मेन बताया। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले याद रखनी है हमने, ठीक है। मेन थ्री डेट्स याद करो, 22nd, 23rd, 25th, ठीक है। जिनको नहीं याद होता, अगर डेट्स नहीं याद होती है तो बिना डेट के भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको पहले बताना है इसलिए आपको पता होना चाहिए। 22nd फरवरी को क्या हुआ? नॉकआउट। ऐसी याद रखो, नॉकआउट का मतलब होता है फैक्ट्रीज बंद हो गई। एक 1917 का ईयर है, फरवरी का ईयर एक ऐसा मंथ था जिसमें काफी फैक्ट्रीज बंद हो गई, लॉकआउट लग गए। लॉकआउट लगे क्योंकि इंडस्ट्रीज के पास जो है वो काम करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वॉर टाइम पीरियड में कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि फैक्ट्री में काम किया जाए, क्योंकि उनको डर है कि अगर ब्लास्ट हो गया तो सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने क्या डिसाइड किया, लॉकआउट का मतलब होता है फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। फैक्ट्रीज को बंद किया तो वर्कर्स, बहुत से वर्कर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए। एंड उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू कॉल अ स्ट्राइक नेक्स्ट डे। मतलब कितनी ही फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने मिलकर क्या किया, स्ट्राइक। यानी कि उन्होंने क्या किया, वर्कर्स ने सपोर्ट किया दूसरों को, यानी कि जिन फैक्ट्रीज में लॉकआउट लगा, जिन फैक्ट्रीज में लॉकआउट नहीं भी लगा ना, उन वर्कर्स ने उनको सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइक जो है वो की, कि ऑलरेडी कंट्री में वॉर चल रही है और वर्कर्स की कंडीशंस बहुत ज्यादा पुअर है। और जब स्ट्राइक हुई तो ज़ार ने क्या किया, कंट्री में क्या लगा दिया, कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, एमरजेंसी लगा दी, ठीक है। फिर एमरजेंसी लग गई 23 के बाद 24 का डे बहुत ही वर्स्ट डे था, जब वर्कर्स को किसी भी तरह से जो है वो एजिटेशन के लिए या प्रोसेशन के लिए अलाउ नहीं किया गया। और दूसरी तरफ केंद्र ने क्या किया, 25th को क्या किया, ड्यूमा को सस्पेंडेड, जो पार्लियामेंट ड्यूमा वॉज सस्पेंडेड, ठीक है। 27 उसके बाद 25th को जब ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, अब तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया, उनको लगा कि पार्लियामेंट भी खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, स्ट्राइक करने का भी राइट नहीं है, तो ऑलरेडी वॉर चल रही है, तो ज़ार जो है वो किसी भी तरह से कंट्री में, ठीक है, जो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ वॉर को बंद नहीं कर रहा। और इसीलिए लोगों ने क्या किया, 27 एक डे डिसाइड किया गया, 27 फरवरी, जिसमें सभी ग्रुप, हर तरह का ग्रुप, कितने ग्रुप थे, फार्मर्स भी थे, जॉइंट वर्कर्स भी थे, दे आल्सो जॉइंट सोल्जर्स एंड पुलिस, ऑल दीस ग्रुप जॉइंट मेंशेविक, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया। और 27 को जिस बिल्डिंग में, जो ड्यूमा की बिल्डिंग थी ना जिसको पहले डिसॉल्व कर दिया, उसी बिल्डिंग में दे एंटर इन ड्यूमा बिल्डिंग। जैसे आपको याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में लोगों ने अपनी नेशनल असेंबली बना ली थी, ऐसे ही इन्होंने क्या किया, 27 फरवरी को अपनी एक अलग से ही असेंबली बनाई, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में आपने कुछ डेट्स याद कर लो, नहीं डेट्स याद होती है तो मत लिखो, इवेंट्स लिख लो, दैट फर्स्ट लॉकआउट हैड इन सम फैक्ट्रीज एंड मेनी वर्कर्स दे सपोर्टेड दीज दोज हु कॉल्ड स्ट्राइक, उन्होंने इनको सपोर्ट किया, ठीक है। देन फिर आपने बताना है दैट ज़ार निकोलस की सस्पेंडेड ड्यूमा कर्फ्यू लगा दिया गया, दैट 27 को क्या हुआ, 27 मेन याद रखो डे जब लोग जो थे वो ड्यूमा की बिल्डिंग में अपने आप ही एंटर हो गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी अलग से असेंबली बना ली, जैसे फ्रांस के रेवोल्यूशन में लोगों ने अपनी असेंबली बनाई थी,
एंड इन्होंने इस असेंबली को क्या नाम दिया, पेट्रोग्रेड सोवियत। सोवियत का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ग्रुप, यानी कि उन्होंने अपना ये ग्रुप बना लिया कि जो अगर कहीं हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना चाहता तो हम खुद अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हम खुद किंग के रूल को चेंज करें। अब आप खुद सोचो कि इनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सोल्जर्स भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। 1905 में सोल्जर्स ने सपोर्ट नहीं किया था, पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया था, रादर दे अटैक ऑन द पीपल, बट दिस टाइम दे सपोर्टेड। सो विद द सपोर्ट ऑफ दिस करेंसी वी मैनेज टू कंट्रोल द पीपल, कॉन्फिडेंस लिया लोगों का। और आप देखो कि 27 फरवरी नेक्स्ट मतलब 28 के बाद एक दो दिन छोड़कर 2 मार्च सबसे इम्पोर्टेंट डे, 2 मार्च सबसे इम्पोर्टेंट डे माना जाता है, व्हेन ज़ार गेव रेजिग्नेशन। ज़ार ने अपनी जॉब, सॉरी अपने जो मतलब उसकी जो पोस्ट थी उससे रिजाइन और ये डिक्लेयर किया कि रशिया जो है अब मोनार्की या ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगा, नाउ रशिया विल बिकम डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर किया गया रशिया को 2 मार्च को, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, केरेंसकी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। इसे मुगल कहते हैं, केरेंसकी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन इलेक्शन नहीं हुए विदाउट इलेक्शन, कंट्री में इलेक्शन हो ही नहीं सकते थे विदाउट इलेक्शन। सभी पेट्रोग्रेड सोवियत ने अपना लीडर, जैसे आपको याद है नेशनल असेंबली में मैक्स रॉबेस्पियर वाज अ लीडर, ऐसे ही करेंसी ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री विदाउट इलेक्शन, क्योंकि वॉर चल रही थी, अभी वॉर बंद नहीं हुई थी 1917 में और इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं। लेकिन करेंसी ने ना लोगों को प्रॉमिस किया कि जब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तब कंट्री में इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसमें लोगों को राइट्स दिए गए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो फिर हमने इसमें बताना है जो करेंसकी ने गवर्नमेंट बनाई, इस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोविजनल, प्रोविजनल गवर्नमेंट। उसने खुद ही पेट्रोग्रेड सोवियत ने कुछ मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए। प्रोविजनल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, या प्रोविंशियल भी कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए गवर्नमेंट बनी और उसने प्रॉमिस किया कि कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लेकिन बाद में उसने करवाई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से करेंसकी ने क्या किया, नया प्राइम मिनिस्टर बना, मेंशेविक का लीडर था वो। ठीक है, उसने असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है, जैसे काइंड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, ऐसी असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, यानी कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए परमिशन दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, करेंसकी जो था ये अभी भी रिच पीस जो है, रिच लैंड ऑनर्स या इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि करेंसकी लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं जीतता। ये है सारा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का एंड, यहाँ तक हमने सारा सुना है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इट इज क्लियर टू यू? हाँ जी, क्लियर है मुझे यहाँ तक? यस, आरुष, अर्षिता, आर्यन, धैर्य, दिव्या, गगन, हरमीत, जिया, करणवीर, लीजा, प्राची, राघव, एनी डाउट? राघव कुमार, रवनीत, प्रतीक्षा, जसलीन, जतिन, हाँ जी जतिन, प्रियांशिका, गुरशान, सौम्या एंड ऋषम, एनी डाउट बेटा? इसको टाइमलाइन की तरह याद करो, इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। फिर से पॉजेस के बाद 1905 रेडी संडे, उसके बाद स्टोरी की तरह लर्न करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन, फिर 1917 फरवरी में शेरिफ का रिपोर्ट, करेंसकी जो है वो रूलर बन गया। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या बताना है, करेंसकी फॉर द पीएमओ, यहां तक किया। ठीक है, अब इसके बाद करेंसकी की प्रॉब्लम्स बतानी है सबसे पहले हमें, क्योंकि हमने अगला रेवोल्यूशन बताना है, अक्टूबर का रेवोल्यूशन। ठीक है, जब हम अक्टूबर का रेवोल्यूशन बताएंगे, सबसे पहले हमने ये बताना है कि करेंसकी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों लोग करेंसकी के अगेंस्ट हो गए और इसका फायदा किसने लिया। ठीक है, तो जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं ना, हमें सबसे पहले ये बताना है कि करेंसकी की गवर्नमेंट फेल क्यों, व्हाई ही फेल्ड, फेल्ड कह लो या उसका फेलियर कह लो, उसके फेलियर्स
why he was not managed to win the confidence of the people. वो लोगों को कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जीत पाया? फेलियर का मतलब है कि फरवरी के बाद मार्च का मंथ, ठीक है, या अप्रैल का मंथ, दो तीन महीने थे उसके पास, तो लोगों को कॉन्फिडेंस जीत सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके हमने फेलियर बताने कि क्या क्या उसकी प्रॉब्लम आई जिसके कारण लेनिन ने करेंसकी को रिप्लेस करने का डिसाइड किया, क्योंकि लेनिन भी एक तरह जो था वो करेंसकी के अगेंस्ट ही था उस टाइम पर। आपको याद है ऐसा मेंशेविक जो पार्टी थी, इस पार्टी में सबसे ज्यादा जो है वो सपोर्ट किनका था? रिच पीपल का था, लैंड ओनर्स का था, ठीक है, और जिसके कारण पुअर पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड। और आपको सोचो रशिया में 85% फार्मर्स है, और रशिया के अगर फार्मर्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो कैसे वो बाकी को सेटिस्फाई पॉपुलेशन को कैसे कर पाए, ठीक है। और इसीलिए हमें एक ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, सोशल प्रॉब्लम्स आई, सोशल का मतलब सोसाइटी में लोगों को प्रॉपर राइट्स नहीं मिले, इलेक्शन नहीं करवा पाए, इलेक्शन नहीं करवाया, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, टू मेनी प्रॉब्लम्स वर फेस बाय द पीपल कंबाइंड में हमें बताना है। एंड जिसके कारण कंट्री में क्या होने लगे? रॉयट्स। रॉयट्स का मतलब होता है कि लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया, फूड रॉयट्स। फूड रॉयट्स का मतलब होता है खाने के लिए जब लोगों को खाना नहीं मिलता तो लोग क्या करते हैं? राइट्स करते हैं, प्राइसेस बहुत हाई थे। तो सारी की सारी प्रॉब्लम सेम ही थी जो पहले थी, तो करेंसी वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई या नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दीस पीपल। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एट दैट टाइम मेनी पीपल दे वांटेड टू चेंज द करेंसी रूल। लोग कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, पहले वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, नाउ दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द करेंसी। करेंसी ने उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाया, जिसका फायदा किसने लिया? रेज योर हैंड। फायदा किसने उठाया? कीपियो माई कौन? रंशिका। हाँ जी मैम। लेनिन। लेनिन का मतलब नेक्स्ट रिपोर्ट सेम ईयर ईयर सेम रहेगा, लेकिन मंथ चेंज हो गया अक्टूबर, और इसको लेनिन का रिपोर्ट भी कहते हैं। लेनिन ने फायदा लिया। दूसरी तरफ अगर वो मेंशा भी कहते हैं, ये कौन सा हो गया? बोल्शेविक रिवोल्ट। अब लेनिन की स्टोरी, अब हमने लेनिन की सारी स्टोरी पढ़नी है कि लेनिन ने कैसे करेंसी की वीक कंडीशन का फायदा उठाया। और लेनिन जो है उसने अप्रैल का मतलब फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, दो मंथ देखे उसने करेंसी की प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं सॉल्व कर पाया।
तो लेनिन ने क्या किया, अप्रैल के मंथ में, जैसे पहले हमने अक्टूबर तो भी बाद में करेंगे ना, पहले हमने अप्रैल का मंथ बताना है कि अप्रैल में इसने क्या किया, ही मेड सम प्रॉमिसेस। थीसिस भी कहा जाता है अप्रैल थीसिस या लेनिन डिमांड्स। लेनिन ने क्या डिमांड्स रखी, लेनिन डिमांड्स भी कह सकते हैं, अप्रैल थीसिस भी कह सकते हैं। और इसको हमने ये बताना कि कौन कौन से ऐसे डिमांड रखी कि वो करेंसकी से क्या चाहता था, वो करेंसकी नहीं दे पाया। नंबर वन, वॉर टू बी क्लोज, लेनिन ने कहा कि वॉर को बंद करवाया जाए, ठीक है। नंबर टू, बैंक शुड बी नेशनलाइज, जितनी भी मनी है सारी वो गवर्नमेंट कंट्रोल में हो, ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि लोगों के पास कितना पैसा है, क्योंकि एट दैट टाइम प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट लैंड ओनर्स, दे हैड एनफ मनी that can be utilized. Rest we will do next week. Okay, I'm going to end. Time is over now. Okay.